मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। कोरोना का कोविड-19 का दूसरी लहर है। ऐसी सूरत हाल में हमने हमेशा कोशिश किया है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी राय आपके सामने में रखूं, किस तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को कोरोना से, कोविड से आप बचा सकते हैं, सेव रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें वैक्सीन को लेकर उड़ रही है, वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इन तमाम सवाल का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर असीम मायती जी का। डॉक्टर असीम मायती जी, सरपरस्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। डॉक्टर असीम मायती जी के बारे में एक चीज बताते चलूं, कुठारी मेडिकल सेंटर में बैठते हैं, वुडलैंड हॉस्पिटल में बैठते हैं, बेलव्यू क्लिनिक में बैठते हैं, पार्क क्लिनिक में बैठते हैं, CMRI हॉस्पिटल में बैठते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चे के बहुत बड़े डॉक्टर है पूरे बंगाल में, पूरे साउथ कलकत्ता में। ये जो है कोविड जब 2020 मार्च में जब स्टार्ट हुआ उस जमाने से लेकर के आज तक काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, मुल्क हित में काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में चलिए हम और एक चीज में बताते चलूं, डॉक्टर साहब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। चलिए आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जिस तरीका से अभी जो है कोरोना का वेव चल रहा है, पहले सीजन में हमने देखा कि 10 दिन 15 दिन के बाद लोगों की डेथ होती थी, मगर इस बार डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, 2 से 5 दिन में लोगों की डेथ हो जा रही है। इसका कारण क्या, ये कौन सा कोरोना है, ये नया कोरोना है क्या नहीं है, हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर असीम मायती जी से। नमस्ते, मैं डॉक्टर असीम मायती आप लोग से कुछ बातचीत आप लोग के साथ शेयर करने चाह रहा है, क्योंकि आप लोग सब लोग डिफरेंट सोशल मीडिया, डिफरेंट टेलीविजन एंड पेपर्स एंड एवरी मीडिया, एवरीबॉडी आई थिंक वेरी वेल कंसर्न, मैंने सब लोग जानता है कोविड सिचुएशन में अभी क्या परिस्थिति है, जो पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग का खाली बंगाल में नहीं है, सारे इंडिया में हो गया। इनिशियली ये लोग सोच रहा था जो कोई जैसे हम लोग का विधानसभा इलेक्शन हुआ इसके लिए हुआ, बट साइमल्टेनियसली जहाँ स्टेट इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ भी जैसे पहला से हुआ हो रहा था महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं बहुत दिन पहले हो गया। जो भी है अभी जो सिचुएशन है न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस की लास्ट ईयर में जो कोविड-19 वायरस था आप लोग का पता है, जो फ्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस जो आपका पार्टी टाउन में लॉकडाउन कर दिया था, इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन बहुत मान गया था कि, और वो आप जानता है जो वो लॉकडाउन ज्यादा टाइम था तकरीबन 22 मार्च से 31 मई तो पूरा फुल लॉकडाउन था इंडिया में, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ बंद था। उस टाइम में मोटा मोटी पब्लिक बहुत कोऑपरेट किया, इसीलिए पहला फर्स्ट वेव को हम लोग जैसे भी थोड़ा सा मौत तो हुआ ही, न्यू वायरस है हम लोग का उस टाइम में कम डेथ हुआ। इस टाइम में जो वायरस है ये जो सेकेंड वेव है ये टोटली डिफरेंट स्ट्रेन वायरस है, क्योंकि ये ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजी वायरोलॉजी प्रूव कर दिया जो इसका जो स्ट्रेन है B1617, 61.2, 0.3 ये सब जो वायरस है ये कुछ वायरस मिल जा रहा है वो आपका ब्राजीलियन स्ट्रेन और कुछ साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन का साथ, जो कुछ दिन पहले ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में बहुत सारा मौत हो गया, डेथ हो गया, अफेक्शन भी हो गया वही सेम स्ट्रेन का साथ। ये लोग का ये है जो हो रहा है लंग को रैपिडली अफेक्ट कर रहा है, एवं ये वायरल रेप्लिकेशन जो है माने वायरल जो वायरस माने घुसने के बाद इस ईयर में जो अलग फर्क है जो कोई भी एज अफेक्टेड हो जा रहा है, जैसे आप लोग जानते हैं फर्स्ट वेव में इतना बच्चे लोग का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में नेगेटिव आता था, ये इसमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में बच्चे लोग का भी आ रहा है, और अभी यंग लोग भी माने 35-40 इयर्स भी बहुत मौत हो गया ये। और आप ठीक ही बोला जी, इस टाइम में लास्ट टाइम जैसा टाइम दिया था लोग 7 डेज 10 डेज 14 डेज लड़के मारा था ये, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अगर ट्रीटमेंट कोई डिले किया कुछ भी किया प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट करने के बावजूद ये पेशेंट लोग जल्दी डेथ हो गया। ऐसा खाली नहीं है, अगर राइट टाइम में भर्ती होने के बाद एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो लेटेस्ट अपडेटमेंट ट्रीटमेंट करने के बावजूद ये वायरस बहुत लोग का इंपॉर्टेंट लाइफ को फेस ऑफ लाइफ को खत्म कर दिया। इस वक्त कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और कौन कौन सी दवा आईएमए वगैरह की तरफ से जो शेड्यूल आया है कि दवा चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए? देखिए अभी जो ये कोरोना का सेकेंड पैंडेमिक सिचुएशन सेकेंड वेव है इसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत है, लास्ट ईयर में जैसा एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा था और माने एसिम्टोमेटिक कैरियर परसेंटेज वाइज ज्यादा था, बट
ये साइड में सिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत है, क्योंकि ये बार इम्यूनिटी पावर जिसका मोटा मोटी अच्छा भी है उसको भी अफेक्ट कर लिया। तो माने ये इतना हाईली विरुलेंट स्ट्रेन है जो B1617.1 and 0.2 इतना हाईली म्यूटेटेड कर लिया, ये लोग अंदर अंदर म्यूटेटेड करके माने होस्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो इतना ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर में रहने के लिए ये इतना रैपिडली रिपीट कर गया, डबल म्यूटेटेड ट्रिपल म्यूटेटेड होके इतना भयंकर स्ट्रेन हो गया जो हाईली विरुलेंट स्ट्रेन सब पब्लिक को खत्म कर दिया, मैंने ऑल एज ग्रुप को अफेक्ट कर दिया। ये बहुत दुख का बात है और ये सिचुएशन में हम लोग का जो सबसे दुख है जो ऑक्सीजन का कमी हुआ है, क्योंकि इसमें मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आप लोग जानता है, ये SARS-CoV-2 वायरस का जितना भी स्ट्रेन है, चाहे जो वायरस है वो जो अभी कुछ कुछ देखता है, दुबई स्ट्रेन है, सिंगापुर स्ट्रेन है, वो भी इंडिया में आके बहुत लोग को अफेक्ट कर गया, इन स्पाइट ऑफ जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं होने के बावजूद ये वायरस अपना से रिप्लिकेट कर लिया, डब्ल्यू एन ट्रिपली म्यूटेट। ये तो आरएनए, एक तो सिंपल आरएनए वायरस सब लोग सोचा था, बट ये बहुत क्रिटिकल वायरस हो गया। इससे पहले देखिए स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ये जो वायरस जो दुनिया में 8 करोड़ 9 करोड़ लोग को लिया था, लेकिन इतना पैंडेमिक नहीं हुआ था, जो इतना वैरायटीज भी नहीं हुआ, इतना सब टाइप्स भी नहीं हुआ। जो आप लोग जानते हैं स्वाइन फ्लू, उसका N1H1N2H2 दो टाइप है, डेंगू का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है, बट ये वायरस रेप्लीकेट करते जा रहा है, म्यूटेट होते जा रहा है, इतना फ्रीक्वेंटली म्यूटेट हो जा रहा है कि मेडिकल साइंस उसके साथ ये नहीं कर रहा, कॉम्बैट नहीं कर पा रहा है, उसको ठेका नहीं जा पा रहा। पहले में तो बोला गया था एक मास्क लगा के, इस बार तो बोला कि डबल और ट्रिपल मास्क लगाई, उसके बावजूद भी हो जा रहा। तो देखिए ये जो डबल मास्क ट्रिपल मास्क का जो सवाल है, हम पहला बोला था जो ये लोग सिंगल लेयर बा टू लेयर मास्क इज नॉट सफिशिएंट। पहले वेंटिलेटर था वहां से था, और हम लोग का नाक का ऊपर जो भी था रहता है, कभी कभार मैक्सिमम लोग आप देखते हैं जो मास्क यूज कर रहा है, लेकिन हम जैसा नाक को कवर किया, नाक नहीं कवर किया, मुंह को कवर कर रहा है, लेकिन मुंह से तो बेसी नहीं जाता वायरस, वायरस मैक्सिमम नाक से जाता है, जो इनहेल करता है नाक से, गला से इनहेल करता है, गला से जो इनहेल करता है वो हम लोग घीट लेता है। फिर भी पब्लिक इतना अवेयरनेस होने का बावजूद जो गर्म पानी में गार्गल कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सब कुछ मेजर ले रहा है, बट ये जो 3 लेयर 5 लेयर मास्क डबल मास्क यूज करना मतलब है, पहला से हम लोग बोला था जो 95% जो N95 मास्क है वो 5 लेयर होना चाहिए, 2 मैक्रो लेयर मैंने बाहर में और अंदर में, 1 मैक्रो लेयर और अंदर में 3 माइक्रो लेयर लेयर का, 5 लेयर मास्क 99% प्रोटेक्शन देता, बट इन प्रैक्टिस 99% नहीं 95% प्रोटेक्शन देता, इसीलिए N95 बोलता है। बट ये मास्क व्यवहार यूज करने के बावजूद ये घुस जा रहा, सपोज ये कोई हाउस मेंबर एक लोग अफेक्ट हो रहा है तो ऑल हाउस मेंबर अफेक्ट है, मतलब ये इतना माइक्रो माइक्रो वायरस हो गया। आप जानते हैं पहले इसको बोलता है 10 माइक्रोन था, ये म्यूटेटेड होते होते इतना छोटा वायरस है, पहला बोलता था ये लोग 1 मीटर 1.5 मीटर तक जा सकता है, अभी बोलते हैं 10 to 15 मीटर तक स्प्रेड कर सकता है, इसलिए बोला कि 6 मीटर की दूरी बना कर, 6 मीटर मिनिमम इसीलिए बोला है, लास्ट टाइम बोला था 6 फीट, वो अभी 6 मीटर हो गया, मैंने आप चिंता के बाद 3 times बढ़ गया जी, मैंने ऑलमोस्ट 3 फीट आपके मैक्सिमीटर ऑलमोस्ट। तो हम लोग का ये माइक्रो वायरस इतना रैपिडली हाईली विरुलेंट हाईली इन्फेक्टिव हुआ बिकॉज ये साइज छोटा कर लिया माइक्रो जी, और ये हाईली इन्वेसिव माने खूब रैपिडली 48 आवर्स के अंदर हम लोग का लंग रेस्पिरेटरी ट्रैक को खत्म कर देता। आप जानता है टाइप 2 सेल रिसेप्टर लंग में रहता है, ये म्यूटेटेड वायरस जो आप सुना है ये राजा भाई जो वो जो पहला वाला जो वायरस था वो टाइप 2 रिसेप्टर को अफेक्ट करके लंग को खत्म कर देता था। तो अभी वो बहुत पेशेंट वैक्सीनेटेड है, 2 डोज वैक्सीन लिया, लास्ट टाइम कोविड उसका हो भी गया, उसका बॉडी में एंटीबॉडी टाइटर होने का बावजूद फिर भी दोबारा अफेक्शन हुआ, नॉट ओनली अफेक्शन हुआ डेथ भी हो गया, इसीलिए पब्लिक का अंदर कंट्रोवर्सी हो गया। तो वैक्सीन लेके लाभ क्या है, वैक्सीन लेके फायदा क्या है? बहुत अच्छी आपने सवाल उठाया, इसके पर हम सवाल लेते हैं। वैक्सीन के बारे में ये बोला जा रहा है कि लोग वैक्सीन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वैक्सीन मत लीजिए, ये रूमर पूरे इंडिया में फैला हुआ है, मगर हमें लग रहा है कि अगर कोरोना से कोई बचा सकता है तो वैक्सीन ही बचा सकता है, मगर हम डायरेक्ट असीम माती जी की राय लेते हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या रूमर की तरफ जानी चाहिए, डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे हैं उनकी तरफ जानी चाहिए, हम डायरेक्ट बात करते हैं डॉक्टर असीम माती जी से। देखिए ये वैक्सीन के बारे में हम आपको बोल रहे हैं, ऑलवेज हम लोग अंग्रेजी में एक लाइन सीखा है, ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माने हम लोग प्रिवेंशन जब लेगा माने प्रोफाइल तो वो बेटर क्योर करने का, तो वो जो हम लोग का एक ही तरीका है, जो मास्क तो हम लोग यूज कर रहा है, एटलीस्ट ये सेकेंड वेव में हम लोग देखते हैं 95% पेशेंट और रास्ता
सरफराज तुम सॉरी राजा तुम अच्छा से जानता है, तुम तो पब्लिक रिलेशन में है जी, इतना डॉक्टर से सलाह ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, पास ये मैं यू आर आउटसाइड ये होम ये नहीं कर रहा है, आप लोग डॉक्टर से पब्लिक से राय ले रहा है, सलाह ले रहा है, वो लोग का मौत ले रहा है, सॉरी उसका वो लोग का क्या डिसीजन ले रहा है, तो मैं बोल रहा था ऑलरेडी जो वैक्सीन जिसको WHO ऑलरेडी माने सेफ एंड ICMR सेफ डिक्लेयर कर दिया, ये वैक्सीन आपका यदि देखिए कोई भी वैक्सीन सेफ डिक्लेयर करने का मिनिमम 2 to 3 years टाइम लगता है, क्योंकि वो 50 कंट्री में मिनिमम 10 lakhs का ऊपर प्रयोग करके डिफरेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में अगर वो पास होता तब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैक्सीन होता है, तो इसी ये मामला में आपका 3-4 ठो वैक्सीन अप टिल नाउ ये मर्यादा मिला है, वो जो आप जानते हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन इंडियन वैक्सीन जी, और कोवैक्सीन अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली WHO उसको अभी लिस्ट में नहीं लेके आया सेफ वैक्सीन बोल के, वो हमारा WHO इंटरनेशनली ICMR बोला है WHO जे कोवैक्सीन कोविशील्ड ले सकता है, और 2-4 तो इमर्जिंग वैक्सीन है जो आपका जो जॉनसन एंड जॉनसन निकला वो बोलता है सिंगल डोज में हो जाएगा, दैट इज ऑन द ट्रायल स्टेज, थर्ड फोर्थ ट्रायल स्टेज, ये जो वैक्सीन जो हम लोग डिस्कवर होता है ये पहला एक्सपेरिमेंट होता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में माने आप ट्रायल देता है, फोर्थ स्टेज पार हो गया इसे 2-4 तो वैक्सीन है, दैट इज फाइजर का हम लोग का कोविशील्ड कोवैक्सीन फोर्थ स्टेज पास हो गया, और आपका जो स्पुटनिक भी इमर्जिंग वैक्सीन इंडिया में आने वाला है वो बोलता है वो जो फर्स्ट DNA रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इतना वायरस मार्केट में है सब RNA वायरस, बिकॉज ये आप कोविड जानते हैं RNA वायरस सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, बट साइंटिस्ट लोग अभी कंफ्यूज्ड है इतना RNA वायरस जिससे हम लोग का सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू जो पास्ट में इतना डेंगू बेंगू हुआ इतना फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड नहीं हुआ, तो ये वायरस क्यों इतना फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड हो रहा है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम लोग का जो टाइपिंग माने जो वायरोलॉजी सेंटर करके इसको जो फ्रीक्वेंटली हम लोग का जो स्ट्रेन चेंज हो रहा है इसका अगेंस्ट में वैक्सीन भी मॉडिफाई करने होगा, सपोज अभी जो राजा अभी जो स्ट्रेन चल रहा है वो स्ट्रेन के अगेंस्ट में, लेकिन वैक्सीन अभी तो मार्केट में आने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि ये न्यू स्ट्रेन है, इसको मॉडिफाई करने पड़ेगा, अदरवाइज थर्ड वेव जो आने वाला है आ गया उत्तरांचल संपाट में जो सिंगापुरियन स्ट्रेन है जो वो लोग का चिल्ड्रन को भी डेथ कर दे रहा है, चिल्ड्रन भी अफेक्ट कर रहा है, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर इंस्टेंस, चिल्ड्रन को लॉन्ग अफेक्शन नहीं हो रहा है, वो लोग का ब्लड कोआगुलेट करके हाइपर कोआगुलेशन स्टेट होके बच्चे लोग का जो उसको बोलता है मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उसमें ट्रीटमेंट है इंट्रावेनस ड्रिप, रेमडेसिविर इंजेक्शन बच्चे लोग का नहीं चलता, वो लोग का हाई डोज स्टेरॉइड और IV गामा ग्लोबुलिन, ये ट्रीटमेंट मोटा मोटी हम लोग रेडी प्रिपेयर है, तो एक बारे में हम तुमको बोलना चाह रहा है राजा, ये जो वैक्सीन सबको ले लेने चाहिए, ये जो सोशल मीडिया में ये जो कुछ रूमर हो रहा है, कुछ रूमर है, रूमर एंड ह्यूमर, देखिए ये रूमर इसीलिए बोल रहा है कि अभी तो कुछ भी वैक्सीन जो WHO व ICMR ये किया है उसका अगर कोई साइड इफेक्ट्स व सेफ्टीनेस 100% प्रूव करने का अभी टाइम नहीं हुआ, फिर भी जितना ट्रायल हुआ आपको बोला है फ्यू लाख पेशेंट का ऊपर कोवैक्सीन कोविशील्ड ट्रायल हो गया, इसमें कोइंसिडेंटली कोई पेशेंट का डेथ हुआ कि फीवर हुआ कि दोबारा कोविड हो गया जो बोल रहा है, जिसको डिफरेंट डिजीज थे, बीमारी थे, जैसे ब्लड प्रेशर था, शुगर था, यस कोमोर्बिडिटी कॉज हो सकता है जी, और एक हो सकता है, देखिए तुम अच्छा क्वेश्चन किया, ये जो पब्लिक का जो कंफ्यूजन है वैक्सीन लेना की चाहिए, हम लोग 100% वैक्सीन लेना चाहिए, क्यों हम लोग का ये जो स्टेज 2 अभी चल रहा है, ये जो पब्लिक का जो कंफ्यूजन है वैक्सीन लेना की चाहिए, हम लोग 100% वैक्सीन लेना चाहिए, क्यों हम लोग का ये जो स्टेज 2 अभी चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है, सेकेंड वेव में हम लोग का बहुत लाभ हो गया, कुछ लोग नुकसान हो गया ठीक है, बट जो सर्वाइव कर गया हम लोग का इसमें हार्ड इम्यूनिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन 80% लोग का हो जा रहा है, अगर हम लोग इसमें किंतु लेकिन थर्ड वेव फोर्थ वेव जो भी आएगा, हम ये बात बोल रहे हैं जितना भी हाइली विरुलेंट है सम सॉर्ट ऑफ एंटीबॉडी हम लोग का 70-80% लोग का अंदर रहेगा, ये बहुत पॉजिटिव दिख है, और नंबर 1 ये आपका एक्टिव इम्यूनिटी है, माने हम लोग का इम्यून सिस्टम बॉडी में सेल मीडिएटेड तैयार है, और ये थोड़ा नॉर्मल वैक्सीन में जो एंटीबॉडी होता है उससे ज्यादा दिन परसिस्ट करेगा, ये भी ट्रायल हो गए जी, एटलीस्ट 6 to 8 months प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन फुल प्रोटेक्शन तब होगा जब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी माने वैक्सीन आपका बॉडी में
एंटीजन सिस्टम को स्टिमुलेट करके जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके बनाता है। तो ये हम लोग का जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो हम लोग का साइलेंट कैरियर है वो लोग को जो बीमार ऑलरेडी हो गए सम सॉर्ट ऑफ एंटीबॉडी इज देयर, और ये जो नया ये जो हम लोग वैक्सीन दे रहा है उसमें एक्टिव इम्यूनिटी दोनों मिलके, लेकिन इम्यून का एक डोज अगर दे देने से कम हम आपको एक गारंटी दे रहा है लंग बच जाएगा। और लंग जो प्राइमरी जो जो लंग इन्फेक्शन होने से जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, देखिए ऑक्सीजन शॉर्टेज जो कोई भी कंट्री में हो रहा नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग का इंडिया में इतना सोचा नहीं है, 150 करोड़ लोग है, लेकिन इतना एक साथ इतना लोग होगा, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दो ऑक्सीजन का कमी हो गया, ये थोड़ा सा हम लोग का डिफेक्ट है, क्योंकि ये अतिमारी सीजन में जो ऑक्सीजन प्लांट और जो जो भी मेंटल प्रिपरेशन लेना चाहिए, हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाह रहे, बट एक ही बात हम बोलना चाह रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और भी थोड़ा ये कर्मसूची को आगे बढ़ाना चाहिए। ये वैक्सीन को सबको यूनिवर्सल वैक्सीन डिक्लेयर कर दिया, सबको एक तो स्पेशल स्कीम में लेके सिस्टमेटिक वे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असीम मैती जी अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के दर्शक के लिए नाजरीन के लिए बहुत सारे अच्छे मशवरे दिए, हम कोविड में कैसे बच सकते नहीं बच सकते, वैक्सीन लेनी चाहिए, किसी अफवाह किसी रूमर में ना जाए और लोगों के दरमियान में ना बैठे, दूरी बना के रहे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ICMRA के नॉर्म्स को उसको पालन करें और लॉकडाउन को 100% पालन करें।